क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स का दोषी किसी और को ठहराते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी परेशानियां परिस्थिति और वक्त के कारण हैं? या फिर किसी और को दोष देने से आपके मन हल्का हो जाता है? दोष तो हम सभी देते हैं, बट कभी सोचा है कि क्या हमारी खुशी और हमारे दुखी होने में किसी और का एक्चुअल में हाथ है? सचिन स्कूल में गया और उसके टीचर ने उसे पूछा कि सचिन आज तुम होमवर्क करके क्यों नहीं आए? तो सचिन ने बोला, मैम घर में बहुत शोर था। तो टीचर ने पूछा, शोर क्यों था? तो सचिन ने बोला, मैम बहुत ऊंचा ऊंचा टीवी चल रहा था, मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तो मैम ने बोला, ओहो बेटा तुम किसी की मदद ले लेते, किसी से कह देते, वो तुम्हारी मदद कर देते टीवी का वॉल्यूम कम करने में। तो सचिन बोला, मैम मैं किसको बोलता, घर में मैं अकेला था। की तरह हमें भी ब्लेम गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी गलत हो जाए तो किसी और की गलती, कुछ नहीं तो सर्कमस्टांसेस की गलती। पर क्या सच में सक्सेसफुल वही होते हैं जो ब्लेम करने की जगह 100% रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं? एक उंगली अगर आप दूसरों की तरफ उठाएंगे तो तीन आपकी तरफ पॉइंट करती हैं। आप सोचिए, आप ब्लेम में अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं? सक्सेसफुल वही होता है जो सब प्रॉब्लम्स के बीच में भी सही अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ले, और अगर नहीं मिले तो हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने का साहस रखता हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली।